हेलो गाइस, माय नेम इज कार्तिक और आज हम बात करेंगे कैरी मिनाटी, अमित बड़ाना, एलविश यादव और मुंबई कर निखिल के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरी मिनाटी की अपकमिंग वीडियो यालगार के बारे में। तो कल कैरी मिनाटी ने अपने चैनल पर अपने न्यू वीडियो के रिगार्डिंग एक टीजर डाला है, जिसमें उन्होंने अपनी यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक द एंड वाली वीडियो के बारे में भी दिखाया है। तो उनका अपकमिंग वीडियो में भी इसी टॉपिक पर होगा। और आप कितने एक्साइटेड हो कैरी मिनाटी के न्यू वीडियो के लिए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अमित बड़ाना भी अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर के माइलस्टोन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और अब उन्हें 20 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करने के लिए अप्रोक्स 1 लाख सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपने अभी तक अमित बड़ाना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के पहले इंडिविजुअल क्रिएटर बन जाएंगे ये माइलस्टोन अचीव करने वाले, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमित बड़ाना इन एडवांस। और अब बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। और एलविश यादव अपनी न्यू वीडियो पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनकी न्यू वीडियो आने वाली है। तो उसी के बारे में बताते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने क्रिएटर को मिलने वाली हेट के बारे में भी बात की और उसी के बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कहा। यार देखो, मेरे को तुमको एक बात बतानी है, एक बात पूछनी है एक तरीके से। जो मैं अब इस टाइम पे वीडियो निकाल रहा हूँ, आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो, कसम बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस पे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम लोग इतना प्यार दिखाओगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है भाई, हम तो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, होप करता हूँ उसका फल भी मिलेगा हमको, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे, क्योंकि भाई हम मेहनत करते हैं यार। तुम बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मेहनत जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, ये सारे कोई भी बना सकते हैं, बट भाई उसके पीछे की मेहनत यार बहुत ज़्यादा होती है, कसम बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा होती है। अभी 2-3 दिन हो गए हमने वीडियो लिखते हुए, 3-4 दिन में शूट होएगी, उसके बाद 3-4 दिन एडिट होएगी, उसको बहुत सारी चीज़ पड़ती है। शायद तुमको, कई लोग को समझ आ जाता है, कई लोग को नहीं आता। तो भाई वीडियो, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी वीडियो को तुम देखना पसंद करना, बस देख लेना, पसंद आ जाए तो कर देना लाइक वाइक जो तुम्हारा जी करे, और ना आए तो गलतियाँ भी बताना, हेट मत देना। बस हेट से ना क्या होता है, हेट से ना तुम नहीं समझोगे, जब तुम्हें हेट पड़ेगी ना तो भाई बहुत डीमोटिवेट होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने तो नहीं, मैं तो इतना ध्यान नहीं देता, बट होते तो हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं लगता कि भाई ऐसे लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, कि बहुत सारे होते हैं कमेंट, बट क्या ही बताऊँ मैं, तुम वो समझ रहे होगे, तुम लोग भी, तुम भी समझदार हो, सब सबको समझ आता है। और आज की फाइनल स्टोरी की बात करें तो मुंबई कर निखिल ने कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में Q&A किया था और उसी में उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए बताया कि व्लॉगिंग से पहले उनका एक दूसरा चैनल था जिस पर वो रिव्यू किया करते थे, और इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहा। यस, मुंबई कर निखिल वाज नॉट माय फर्स्ट चैनल, इट वाज अबाउट रिव्यू चैनल था मेरा, किस चीज का रिव्यू था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सच में मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और आप में से कितने लोग ये जानते थे मुंबई कर निखिल के बारे में, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।